फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं कि मल्टी बैगर्स क्या होते हैं और मल्टी बैगर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, और क्या किसी चीज को लेकर भूल जाना पॉसिबल हो सकता है या नहीं। मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहता हूँ 1996-97 के आसपास। इस समय गोल्ड का प्राइस है 5,000 रुपीज, और आज 2021 में अप्रोक्सीमेटली इट इज 10 times 50,000 रुपीज। सो गोल्ड हैज गिवन अस ए रिटर्न ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 50,000, 10 times। एंड वट हैपन्ड टू द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी 1995-96 लगभग हर्षद मेहता के क्रैश के बाद जब इकोनॉमी शुरू होती है, गल्फ वॉर वगैरह खत्म हो जाता है और हम लोग एक स्पीड लेने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ इंडियन इकोनॉमी में होता है और किस प्रकार से मल्टी बैगर्स बनते हैं। मल्टी बैगर्स बनने की 2-3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर एक गुड कंपनी होनी चाहिए और एक गुड प्रमोटर होना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है, प्रमोटर अच्छा है, तो हम बैट लगा सकते हैं। और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस मल्टी बैगर को चूज करने की, और मल्टी बैगर्स किस प्रकार से एक्शन करते हैं। ये एक शेयर स्क्रिप्ट आपके सामने है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 96-97 में इसका 4 रुपए से लेकर कोई 10-15 रुपए तक का भाव है, और जैसे जैसे हम इस शेयर के अंदर आगे बढ़ते हैं, 15-16 रुपए के भाव पर आने के बाद लगभग 8-9 महीने के अंदर 50% के आसपास डिप कर जाता है, यानी कि अपनी वैल्यू खो देता है। इट्स ए बिग थिंग। यहां पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी शेक हो सकता है, कंपनी भी ट्रबल में जा सकती है और आपका पैसा डूब भी सकता है। 50% इज ए गुड रिट्रेसमेंट, कोई बात नहीं। 1998 में इस कंपनी को जैसे ही हम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि ये 15-16 रुपीज की वैल्यू को छोड़कर ये कंपनी लगभग 35 रुपए की वैल्यू के आसपास आ जाती है, यानी 16 से 32 डबल ये वैल्यू हो जाती है। और डबल होने के बाद इस कंपनी में दोबारा से 54.86 प्रिसाइजली लगभग 50% के आसपास दोबारा से रिट्रेसमेंट होती है। 50% की रिट्रेसमेंट कवर्ड हो जाने के बाद ये कंपनी लगभग 2-3 साल तक दोबारा चलती रहती है, और अब वो चीज जो 32-35 रुपए के आसपास थी लगभग 50 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है 2003 में, और फिर दोबारा से 41% रिट्रेस करती है, 41% डाउन करती है। सो इन्वेस्टर जिसने 6 रुपीज की जर्नी शुरू करी है, नेचुरली ही विल नॉट बी एबल टू कीप इट अप फॉर सो मच टाइम। आज हम जिस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर किसी अच्छी कंपनी में और अच्छे प्रमोटर के ऊपर ट्रस्ट करता है, पार्टनरशिप करता है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसके लिए क्या करती है, और क्या करते हैं वॉरेन बफे जैसे लोग जो कि मल्टी मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स हैं, वो किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी मनी को मल्टीप्लाई करते हैं शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद इसके अंदर एक स्टेग्नेंसी आती है 40 रुपए के आसपास, और ये शेयर पड़ा रहता है अगले 1-1.5 साल के लिए। अचानक यहां पर कुछ होता है, इसमें एक जर्नी स्टार्ट होती है और 40 रुपए वाला शेयर चलते 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 अगले 3 सालों के अंदर 40 रुपए से सीधा 800 रुपए तक पहुंचता है। इट्स ए बिग थिंग। ये केवल उस आदमी को प्रॉफिट नसीब होता है जिसने या तो ये ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करी है या बाय ऑन टिप्स करी है। सो आज की स्ट्रेटेजी यही है, व्हाट टू डू विद अ गुड कंपनी, गुड प्रमोटर, और मल्टी बैगर्स को किस प्रकार से एक्यूमुलेट किया जाता है। वो जर्नी जो 4 रुपए, 16 रुपए, 32 रुपए, 40 रुपए से स्टार्ट होती है, आज लगभग 750-800 रुपए तक पहुंच जाती है 2008 में, यानी कि लगभग 10 years में।
अब 10 इयर्स के बाद इसके अंदर फिर एक रिट्रेसमेंट आती है और ये रिट्रेसमेंट पहले की तरीके से 50% 25% नहीं रह जाती, ये 75% जाती है, प्रिसाइजली 71.8% डीवैल्यूएशन इसके अंदर होती है। नेचुरली इतनी बड़ी फॉल को कोई भी इन्वेस्टर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा जो मल्टी वैगर्स के अंदर इन्वेस्टर होता है और जो गुड कंपनी गुड प्रमोटर के अंदर इन्वेस्ट करता है। यहां से ये जो 200 रुपीज के आसपास ये जो फॉल आता है ये फिर दोबारा से चलना शुरू करता है और ये शुरू करता करता अब की बार इस फॉल के मिड के अंदर यानी मिड ऑफ 50% 70% 35% राइज लेके ये लगभग 600 के आसपास ट्रेवलिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन होती जाती है लेकिन एक डिप भी आता है अगेन, यहाँ पर ये 43% के आसपास रिट्रेस कर जाता है और इन्वेस्टर वो 200 रुपए वाला शुरू करके लेकिन इस डिप के बावजूद 339-340 रुपीज तक पहुंचता है। यहां से इसके अंदर 2012 के अंदर एक फिर जर्नी शुरू होती है और ये जर्नी इस शेयर को लेकर जाती है, वेट आई विल टेल यू द नेम। और मेरा ऐसा ख्याल है कि आप में से जो लोग बहुत पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग शेयर मार्केट में हैं, वो अभी तक लगभग समझ चुके हैं कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। एंड आई विल शो यू, आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम, वी हैव रीच्ड 2014 और वो 200 रुपए वाली जर्नी 350 रुपए वाली जर्नी लगभग 550 रुपए के आसपास पहुंच जाती है और दोबारा से 30% की रिट्रेसमेंट करती है, रिट्रेसमेंट ऑफ 25% 50% एंड 75%। यहां से ये जर्नी फिर दोबारा से कंसोलिडेट होती है, 400 रुपए से ये जर्नी स्टार्ट करती है और 400 रुपए से अब की बार ये जर्नी 1200 रुपए 1300 रुपए तक पहुंच जाती है। 1300 रुपए तक पहुंचने के बाद ये जर्नी फिर दोबारा से रिट्रेस करती है 25% प्रिसाइजली 23.52% के आसपास और ये पहुंच जाती है 1000 रुपए के आसपास। यहां पर इन्वेस्टर नेचुरली या तो निकलना चाहेगा या इस लेवल के ऊपर लेना चाहेगा। अगर वो इसको यहां पर लेता है तो ये उसको रिवॉर्ड देती है तकरीबन फिर 25% का और फिर रिट्रेस करती है 22%। 2022 तक ये जर्नी चलती जाती है और उसके बाद कोरोना टाइम्स आता है। कोरोना टाइम्स आने के बाद ये 1600 रुपए वाली जर्नी फिर 50% के आसपास रिट्रेस कर दोबारा से 900 के आसपास आ जाती है। आई थिंक अब आपको ये स्क्रिप्ट क्लियर होने लग गई है। और 900 से ये जर्नी इन्वेस्टमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट्स कोलैबोरेशंस सब जर्नीज को तय करती हुई तकरीबन 2370 के आसपास पहुंचती है, फिर 25% रिट्रेस करती है, फिर दोबारा से रिट्रेस करके ऊपर जाकर फिर 15-20% रिट्रेस करती है और आज ये स्क्रिप्ट लगभग 10% रिट्रेसमेंट्स के ऊपर है। आपने सही पहचाना, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आज इस वीकली चार्ट के ऊपर 2110 के आसपास है, जिसका कि 20 डे का जो वीकली मूवमेंट है 2065, उसके बाद 1971 और उसके बाद 1783, राइट। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई एम ए ट्रेडर, सो आई कैन ओनली लुक द चार्ट एंड आई एम ओनली ऑथराइज टू गिव यू अ ट्रेडिंग टिप। माय ट्रेडिंग टिप इज ट्राई टू एक्यूमुलेट ए गुड प्रमोटर एंड ए गुड कंपनी एट अ बेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2065 नहीं होगा, 1970 नहीं होगा, या 1783 नहीं होगा, या 1484 नहीं होगा, या 1282 नहीं होगा, या 1000 नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके बाद 2500, 5000, 10000 क्या होगी। मैं सिर्फ आपको एक जर्नी से अवगत करा रहा हूं कि किस तरीके से जो जर्नी 1995 से इस ग्रुप ने इस प्रमोटर ने ट्रेवल करी है और जहां ये 2000 के ऊपर आया है, जहां आज इसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स शामिल हो चुके हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट
players of money markets are there, one of the best management is there, one of the best digital marvelous people are there. क्या ये जर्नी यहीं पे रुकने वाली है? क्या आज 2000 की हम इन्वेस्टमेंट, अगर हम 50% भी रिट्रेसमेंट्स की तरफ जाएं, तो देन इट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीस. क्या उस 1000 रुपीस के ऊपर हम भरोसा करके इस माल को ले सकते हैं? या 25% रिट्रेसमेंट तकरीबन 1500-1600 रुपए के आसपास, यानी यहां पर 1484 रुपए पे लेने की हिम्मत रखते हैं? और या क्या हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर यहां पर ही इस एक्यूमुलेशन को फॉर जनरेशंस एस्टैब्लिश करते हैं? हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. आज जिस तरीके से कैश डीवैल्यूएट हो रहा है, जिस तरीके से गोल्ड एक पुरानी करेंसी बनता चला जा रहा है, जिस तरीके से मार्केट के अंदर बिटकॉइन एक नई डिजिटल करेंसी के रूप के अंदर उभरने लग गया, इन्वेस्टमेंट के रूप में उभरने लग गया, प्रॉपर्टी के रूप में उभरने लग गया, तो निश्चित ही हमें अपने कैश को कन्वर्ट करना होगा एक ऐसे पोर्टफोलियो के अंदर, एक ऐसे डिजिटल माध्यम के अंदर, एक ऐसी एसेट के अंदर जो विद द टाइम ग्रो करे. वी डोंट हैव एनी डाउट दैट रिलायंस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर्स इन इंडिया एंड नाउ गोइंग एंड स्टेपिंग टुवर्ड्स इट्स ग्लोबल. दिस इज नॉट अगेन एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि जहां पर आप रिलायंस को एक्यूमुलेट करें. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मल्टी बैगर्स, द स्कीम ऑफ मल्टी बैगर्स, किस तरीके से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरेशनल के अंदर 4 रुपए की चीज 2000-2500 रुपए बन सकती है. और इसी जनरेशंस को इफ यू वांट टू हैंड ओवर टू योर कमिंग जनरेशंस, कैन यू थिंक ऑफ समथिंग वेयर बाय 2000 रुपीस कैन गो टू 20,000, 50,000, 1 लाख. व्हाट एवर हैपेंस इज इन टाइम. समय की गर्भ के अंदर क्या छुपाया हम कोई नहीं जानते. So today lesson is, what is the power of accumulation in fall? जब भी multi-baggers के अंदर 25%, 50%, 75% की falls आती हैं, तो multi-baggers किस तरीके से अपने आप को recover करके, recoup करके, किस pattern के ऊपर अपने आप को revive करते हैं और एक नई platform की तरफ जाते हैं. I hope this understanding can bring, I'm not at all advocating Reliance. I am advocating what is the power of multi-baggers. So if you want to have your own trade or own generational asset building, I would recommend consult your financial advisor, do your own research, trust your own understanding, and then only you can hand over this legacy to your coming generations. Hope you got the things at the right words, in the right manner, and in the right spirit. Thank you. Thank you for listening.